और एक बार सीधे लिए चलते हैं गया, जहां पर नीतीश कुमार आज दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गया वासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी विपाड के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीताकुंड पहुंचे हैं, जहाँ सीतापथ का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णु पद मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भव्य धर्मशाला का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद बोध गया रवाना हो जाएंगे, जहां महाबोधि मंदिर की कमेटी के कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से इसमें 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें बौद्ध भिक्षु समेत कई प्रमुख लोगों के अंदर आवासन स्थल भी बनाया गया। ये आधुनिक यंत्रों से निर्मित कार्यालय है, इसके ऊपर किसी भी तरह के हमले और वज्रपात का असर भी नहीं होगा। तो देखिए तस्वीरें आप सीधे गया से देख रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि भारी संख्या में जो है लोग हैं वहां पे मौजूद हैं, साथ में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी नीतीश कुमार के साथ पहुँचे हुए हैं। नीतीश कुमार आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, भव्य धर्मशाला के निर्माण भवन का भी उद्घाटन करेंगे। और इस पर लाइव सीधे गया से हमारे संपादक अशोक मिश्र जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, किन किन चीज़ों का उद्घाटन अभी तक हो चुका है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दार्शनिक भवन का उन्होंने उद्घाटन किया, फिर छात्रावास मार्केट कम्प्लेक्स उसका फिर उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आए सीताकुंड, वहाँ पे उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ से सब आए हुए सब मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। उसके बाद फिर फल्गु नदी के किनारे जहाँ पे जो श्रद्धालु है आके तर्पण करने के लिए उसके घाट का एक तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री उसका मुआयना कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से वो बोल गया कि प्रस्थान करें, तो एक तरह से कहे कि काफी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी जो भी प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट तो एक तरह से कहे की योजनाओं को पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाए, और उसके लिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बातचीत करते रहे हैं, उनसे फीडबैक लेते रहे हैं और उनको दिशा निर्देशित भी करते रहे हैं। और यही वजह है कि कभी फल्गु नदी में एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरसते थे, आज यहाँ रबर डैम के द्वारा अब फल्गु नदी का कायाकल्प कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कि मुख्यमंत्री किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। फल्गु नदी के किनारे और घाटों का विस्तारीकरण किया जाना है, घाट का जीर्णोद्धार किया जाना है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं जिसको लेकर के सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, और उस योजनाओं का एक तरह से फिर से मुआयना मुख्यमंत्री कर रहे हैं जी। दीपक, बिल्कुल अशोक जी, लेकिन और एक यहाँ पे सवाल है कि इसके बाद अब कहाँ कहाँ के किन किन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? तो देखिए तस्वीरें आप गया देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टाइल है, और यही वजह है कि जब कभी यहाँ पे फल्गु नदी के किनारे लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए आते थे, श्राद्ध करने के लिए आते थे,
तो उन्हें काफी संकटों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब अधिकांश संकट एक तरह से कहिए दूर किए गए हैं। फल्गु नदी में पूरी तरह से पानी मौजूद है, जल मौजूद है, ताकि श्रद्धालुओं को श्राद्ध करने, तर्पण करने में कोई कठिनाई न हो, इसकी लिए समुचित व्यवस्था की गई है। और फिर यहाँ पे अन्य जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का किस तरह से विस्तार हो, किस तरह से, चूंकि गया में पितृपक्ष मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे जुड़ते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, तो इसलिए उन्हें किसी तरह की कठिनाई न हो, इसके इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं बनाई हैं, जल संचय की व्यवस्था की गई है, इसलिए ये स्थल का निरीक्षण करें। दीपक, तो देखिए हमारे संवाददाता अशोक जी बता रहे थे कि तमाम कार्यक्रम नीतीश कुमार की व्यस्तता के बावजूद वो पहुंचे हैं और फिर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार गया के लिए काम करते रहे हैं। जब उन्होंने खसरूस न्यूज़ से भी बातचीत की तो उन्होंने भी कहा था कि गया के जो धार्मिक विरासत हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक जगह हैं, उसको चीज़ों को बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और संजय झा पहुंचे हैं और आज शाम 3:30 बजे फिर वहां से पटना के लिए रवाना होंगे नीतीश कुमार। तो ये सीधी तस्वीरें आप गया से देख रहे हैं। से ये देख रहे हैं भी काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सौगात दी है। ऐसे में जब पिंडदान के लिए लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए भी अच्छा मुकम्मल इंतजाम किया गया है, अब कोई भी उनको दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ जो भी समस्याएं पहले होती थी अब वो नहीं होगा। हालांकि आप तो जानते ही हैं कि फाल्गु नदी को एक बहुत बड़ा श्राप मिला था, जिस श्राप के कारण वहां पानी अब धरती के अंदर था, रेत के अंदर था, ऊपर नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार के कह सकते कि योजनाओं के अंतर्गत और इनके कामों से ये संभव हो पाया कि अब वहाँ पर पानी है, पानी हो गया है तो अब लोग और भी बड़ी मात्रा में आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे और ऐसे में उनके रहन सहन, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए भी पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। और इसको देखते हुए नीतीश कुमार का ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सफल प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया से। लगातार संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ नदी के जल में अर्चना हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात है पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं तर्पण के लिए, अपने पूर्वजों को तर्पण के लिए पिंडदान करते हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी सौगात है पूरे देश के लोगों के लिए, बोध गया और गया में नीतीश कुमार का अनोखा सौगात। ये गया से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और
सीता पथ का भी उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। के पिंड की सामग्री को नदी के जल में अर्पित न करें, इससे जल प्रदूषित होने की संभावना प्रबल है। इसके लिए कुंड का निर्माण किया गया है। फल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में हमारा हक है। धन्यवाद। सीता माता के श्राप से अंतर शरीर पर जल संचय की घोषणा की गई है। श्रद्धालुओं के पितरों पर